नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। चोराटा थाने के अंतर्गत टिकरिया गांव से एक बड़ी खबर आई है। जी हां, बीती रात पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी और अपनी भाभी को बुरी तरीके से घायल कर दिया। विवाद की वजह जानकर आप जरूर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कल शाम जब आंधी आई, उसी दौरान बबूल के पेड़ की एक डगाल टूट कर गिर गई। दोनों भाइयों का जमीन को लेकर आपसी विवाद था। उस बबूल की डाल पर दोनों ने अपना हक जताने की कोशिश की। उसी के चलते जब पिता ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो पुत्र घर के अंदर से तलवार लेके आया और सबसे पहले उसने अपने पिता पर हमला किया। पिता की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उसके बाद उसने अपनी भाभी पर भी हमला किया। भाभी बुरी तरीके से घायल है, गंभीर अवस्था में रीवा के सुपर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बार हमारे पापा जी को मारे हैं, मोगली मारे, कई बार उनका थाना चुराटा केस चल चुका है, यहाँ तक उनकी धारा भी लगा चुकी है। जेल में भी थे, फिर से आ गए, उन्होंने नहीं माना। तब आज ऐसे कई बार हो चुकी है, हमारे उन्होंने नहीं माना। जब हमारे आज आधी पानी आया, एक डेरा एक डेरा उनके अंदर हो गई, हम लोग टाल लिए, कुछ नहीं बोले। एक बबूर काट रहे थे, जब बबूर काटे उधर हम बोले मत काटो, कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट अंदर से आए हैं, अंदर से निकले, डायरेक्ट तलवार लेकर हमारी मम्मी बर्तन धो रही थी, डायरेक्ट निकले आए तो घाट से मारे एक तलवार। फिर भाई भाई का विवाद था। एक भाई पिता के साथ रहता था और सामने से पेड़, बारिश में पेड़ की डगाल टूटी। डगाल को लेके सामान्य सा विवाद हुआ और उसने पहले महिला को मारा। महिला को बचाने आए ससुर को चोटें पहुंचाई, जिसे ससुर की मौके पर मौत हो गई। आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी भयाहू जो है उसका इलाज SCMH में चल रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।